करता हूं डॉक्टर एआर खान चीफ जनरल मैनेजर नवाज, मैं स्वागत करता हूं जो सब समय हमें हेल्प करती हैं। हम मैडम को अपना सीआईए का एक पार्ट मानते हैं। दावा फिर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीटीए, मैं स्वागत करता हूं हमारे डायनामिक एग्रो पैनल चेयर सीआईआई मन्ना चौधरी का। मैं स्वागत करता हूं एमएस रामलिंगम डिप्टी डायरेक्टर स्पाइसेस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे बीच में सब समय हमें हेल्प करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं हमारे पास चेयरमैन नरेश अग्रवाल का, और जो बायर इलायची के बायर हैं चीन का, ये हमारे इलायची के बायर हैं और आपके कुछ के भी बायर आने वाले हैं। आई एम सुकन्या गोस्वामी, आई एम रिप्रेजेंटिंग स्टार सीमेंट लिमिटेड। आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ श्री प्रदीप पुरोहित, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टार सीमेंट लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सीआईआई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इनिशिएटिव टेकन बाय स्टार सीमेंट लिमिटेड इन नॉर्थ बंगाल। टू स्टार्ट विथ आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू ऑफ आवर एग्जाम्पल्स, फ्यू ऑफ आवर इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ जलपाईगुड़ी। Most important program being organized by CAA. REH as a concept is a very new concept. ये हम 3 साल हुआ, कितना साल हुआ? 3 years. So 3 साल के पहले ये start हुआ था, क्योंकि आप अभी मार्केट में अभी आजकल मार्केट फोर्सेस मार्केट आजकल मार्केट ऐसे हो गया, एज अ इंडिविजुअल यू कैन नॉट नेगोशिएट विद मार्केट इजीली, दैट इजीली देर आर लॉट ऑफ हर्डल्स, देर आर लॉट ऑफ कंपटीशन, देर आर लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। सो मार्केट बहुत चेंज हो गया, जो ट्रेडिशनल हमको पुराना जमाने में हाट बाजार लगता था, ये सप्ताह वीकली हाट और ये बाजार, यही बाजार वही बाजार, वेयर फार्मर्स कैन गो डायरेक्टली एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज अ लॉट। नाउ देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, देयर आर लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और सीआईआई करते हैं अलॉन्ग विद जीटीए, जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हब है। तो आज जितने भी आपने देखा जो विजिटर्स थे, डेलीगेट्स थे, वो सब अपना अपना लोकल प्रोडक्ट्स, जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स हो, लास्ट कार्डमम हो, टर्मरिक हो, जिंजर हो, झाड़ू हो, हनी, इन लोग को लेके उन लोग अपने आप प्रमोशन के लिए मार्केट लिंकेज के लिए आ जाए हैं। तो आज था हम लोग का अमेजन भी था, स्पेंसर भी थे, लॉट ऑफ बायर्स वे देयर, जो लार्ज कॉटन बायर्स थे, सॉफ्ट वुड के बायर्स, तो उन लोग के साथ हम लोग बी टू बी बायर्स वाला मीट और बिजनेस लिंकेजेस उन लोग के साथ कराया कि किस ढंग से बिजनेस मॉडल में ये आर्य चला सकते हैं फ्रॉम एग्रीगेटर टू दी मेन बायर फॉर द मार्केट लिंकेजेस। सेकेंड इज हम लोग दो सक्सेस स्टोरी भी लाए जो लोकल, जब पैंडेमिक के समय पे जो बाहर में जो काम करते थे हिल्स के यूथ, वो वहाँ यहाँ आके विद इन 2.5 years अपना एस्टैब्लिश किया है। एक तो था रिम्बिक फ्रेश मिंगमा शेरपा और दूसरा है डिसाइबल का मोनिश लामा, जो अपने डल्ले के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है, और मिंगमा शेरपा जितने भी गाँव के वेजिटेबल्स हो, प्रोडक्ट्स हो, वो उसको एग्रीगेट करके एक उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो गाँव के लोगों को देखे मार्केट लिंकेजेस के लिए। सो आज हम लोग हमारे बीच में बहुत सारा सीआईआई की इंडस्ट्री मेंबर्स वगैरह भी थे जिन्होंने ये बोले हैं कि मार्केट लिंकेजेस और कितना कितना प्रोडक्ट्स हैं उनको फिनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, मेंटरिंग करेंगे और हैंड होल्डिंग सपोर्ट। सो ये मेन एक एजेंडा था हम लोग का विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड सीआईआई मिलके, ये एक आरईएच का इनिशिएटिव था। और बुंदरी बाजार जो है एक दो यूथ्स मिलके किया है, विक्रम राय विक्रम फाउंडेशन और मोनिश लामा डिसाइबल, इन लोगों ने क्या किया कि जो भी यूथ्स बाहर से आए हैं 40-50 एंटरप्रेन्योर्स को स्टॉल दे के, उनका लिंकेजेस करा के, बेसिकली अपना स्टॉल को एग्जीबिशन करके, ये एक इनिशिएटिव रहा है जो यूथ्स को प्रमोट करने के लिए, यूथ्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें सीआईआई भी एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। जुरिडिक्शन कितना है? सॉरी, जुरिडिक्शन
इसमें कहाँ कहाँ आप लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा पूरा दार्जिलिंग कालिम्पोंग टोटल डिस्ट्रिक्ट मिरिक हो खरसाङ हो कहीं पे भी बिजनबारी गांव-गांव जाते हैं हम माने सीआईआई इंडस्ट्री के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं यहाँ के सीआईआई का मकसद यही है कि जो फार्मर है जो हिल के उनको कैसे बेसी पैसा मिल सके तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण इलाका से जो फार्मर है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्टर या बड़ा बायर से कनेक्ट करवा देते हैं उससे उनको बड़ा पैसा उनको बेसी पैसा मिल सके उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का एक तो प्रोग्राम है REH इसमें क्या होता है कि 20 फार्मर को लेकर जो एक प्रोडक्ट बनाता है उसको लेकर एक कोऑपरेटिव बनाया जाता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस कोऑपरेटिव को उस प्रोडक्ट का क्या क्या सामान क्या क्या वो उसमें बना सकता है उसके लिए उसको मशीन प्रोवाइड करते हैं जैसे हम लोगों का लार्ज काडामो है उस लार्ज काडामो के लिए ड्राई मशीन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कालिम्पोंग में दी थी 16 लाख अभी जैसे आपका झाड़ू है उसके ड्रायर कोऑपरेटिव बनने के बाद उसको सरकार क्या करेगी उसको फ्री कॉस्ट में वो ड्रायर मशीन प्रोवाइड करेगी अब CII क्या करेगा उस प्रोडक्ट को लेकर डायरेक्ट लिंकेज करवा देगा जैसे आप देखेंगे अमेजोन से हमारे बात हुआ है स्पेंसर का आदमी है और बड़े बड़े मार्केट है हम लोग ये काम हम लोग CII करते हैं जिससे फार्मर को अधिक से अधिक पैसा मिल सके और लाभ कर सके जो आप बोल रहे हैं कि जो फार्मर्स को डबल इनकम जो बोल रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि कृषक को डबल इनकम करने के लिए जो जो स्कीम है उस स्कीम में पड़ रहे हैं नहीं 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 ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ये स्कीम है यह राज्य सरकार का स्कीम है यह राज्य सरकार इसको पूरा स्टेट गवर्नमेंट MSME डिपार्टमेंट DIC और यहाँ पर दार्जिलिंग में GTA इससे मिलकर देती है ये MSME डिपार्टमेंट राज्य सरकार का स्कीम है ये ममता बनर्जी ने ये REH का प्रोग्राम किया है अच्छा ये ज्यूरिडिक्शन कितना है ये पूरा बंगाल में है अभी हम लोग हील के लिए यहाँ पर बैठे हील के लिए कर रहे हैं सक्सेस स्टोरी है कुछ? पूरा सक्सेस है आपका तोदे तानांग में जो इलायची था वो पहले क्या था कम दाम में बिकता था 150 रुपया अधिक दाम में उसको ड्रायर से करने से बिक रहा है उससे कलर थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है तो ये पूरा सक्सेस है कॉस्टिंग कम आ रहा है फार्मर प्रोटेक्शन के लिए क्या जो कोई कार्डामम किया है उसके कोई नष्ट हो गया इसके लिए कोई बीमा का व्यवस्था है उसका भी हम लोग कर रहे हैं हम लोग इसके बाद हम लोग गांव-गांव में जाएंगे हमारा एक टीम जाएगा वो काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन कुछ कम हो रहा है क्यों कम हो रहा है वायरस के कारण तो हम लोगों ने ये रिसर्च किया था हम एज ए चेयरमैन CII हमारी टीम को लेकर पूरे गांव-गांव गए हैं वहाँ पर हम लोगों ने देखा फार्मर क्या होता है एक ही प्रोडक्ट बार बार करना शुरू कर देते हैं उससे क्या होता है कि उनका मिट्टी का पैदावार में कम हो जाता है वायरस लगने शुरू हो जाता है वो हम लोग पूरा टीम जा रहे हैं कि उसको कैसे वायरस को मिटाया जाए उनको समझाया जाए कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रोडक्ट बनाइए एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार अगर उगाएंगे एक ही अगर हम लोग कमला नींबू बार बार उगाएंगे तो कमला नींबू छोटा हो गया इलायची को भी वैसे ही हो जाएगा ये काम हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे उसके बाद जनवरी से আমরা এখানটায় আজকে মেনলি দার্জিলিং যে মিটিংটা করছি এটা REH নিয়ে করছি রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ হাব এই রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ হাব যেটা সেটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটাকে শুরু করা হয়েছিল এবং এটাকে আমরা CII তরফ থেকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে পেরেছি এবং সেখানে যে বিভিন্ন REHগুলো তৈরি হয়েছে যে গ্রুপগুলো তৈরি হয়েছে সেখানে বিশেষ করে আমাদের ফুলঝাড়ু তারপরে আমাদের লাজ কার্ডামাম মানে বড় এলাচ এই ধরনের তারপরে হানি মানে মধু এই ধরনের জিনিসের উপরে ইনিশিয়ালি বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যেগুলো ইজিলি অ্যাভেলেবেল এবং যেটা একটা ভালো মার্কেট আছে তারা যাতে আরও বেটার মার্কেট পেতে পারে সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা অনেকটাই করতে পারছি আজকের মিটিংয়ে আমরা অনেক বায়ার এবং অনেকগুলো REH গ্রুপকে একসাথে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং আমরা মনে করছি যে আগামী এক বছরের মধ্যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ রেজাল্ট আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের হিল ডিস্ট্রিক্টগুলোর জন্য আমরা দেখাতে পারবো এবং সেখানটায় পাহাড়ের যারা ফার্মার আছে পাহাড়ের যারা ক্রাফটের সাথে যুক্ত আছে
পাহাড়ে যারা বিভিন্ন সেমি ফিনিশ করে প্রোডাক্টস তৈরি করছে গ্রামে গঞ্জে, তাদের প্রত্যেককে আমরা এই আরিশিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সুবিধাগুলো আমরা করে দিতে পারবো। এবং আমরা শুধু লোকাল মার্কেট নয়, আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একটা জায়গা করে দিতে পারবো তাদেরকে। আচ্ছা, দার্জিলিংয়ে আপনাদের জুরিডিকশনটা কতটা? আমাদের এন্টায়ার দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট এটার আন্ডারে আসছে। আপনারা কেমন সাকসেস পাচ্ছেন? আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ রেসপন্স আমরা খুব ভালো পাচ্ছি। অলরেডি আপনারা যেরকম দেখবেন যে এখানে 35টার উপরে আরিএইচ গ্রুপ শুধু দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের পক্ষ থেকেই অ্যাভেলেবেল আছে, এবং সেখানে কালিম্পং নতুন ডিস্ট্রিক্ট হওয়াতে সেখানেও অনেকটা জোর দেওয়া হয়েছে। এবং এই এন্টায়ার হিল ডিস্ট্রিক্টগুলোর উপরে কিন্তু প্রত্যেকটা ইউথ, বিশেষ করে যারা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ফিরে এসছে বিভিন্ন শহর থেকে, তাদের জন্য এটা একটা ভালো স্পেস তৈরি হয়েছে। তার মানে আপনারা এটা চাকরির বিকল্প হিসেবে ধরে? আমরা নিশ্চয়ই নয়, এটা আমরা যার জন্য এন্টারপ্রেনারশিপ ভাব বলছি। আমরা প্রথম থেকেই গ্রামের মানুষ যে শুধু মানে তারা চাষি হিসেবে থাকবে, তারা শুধু মানে বাড়ি বানাবে এইটুকুর মধ্যে তাদেরকে সীমাবদ্ধ না রেখে তারাও যাতে এন্টারপ্রেনার হতে পারে, তারাও যাতে ইকুয়াল প্ল্যাটফর্ম সারা পৃথিবীর সাথে শেয়ার করতে পারে, তার বন্দোবস্ত কিন্তু আরিয়ে আছে। কালিম্পং হিলস মেয়ে এলাচিকা ডেভেলপমেন্ট স্কিমস হে, রি প্ল্যান্টিং স্কিম হে, নার্সারি স্কিম হে, ইরিগেশন স্কিম হে, মডিফাইড বটিকা স্কিম হে, দেন গার্ডমন্ট ড্রাইয়ার কা স্কিম হে, ভার্মি কম্পোস্ট কা স্কিম হে। আমার অফিস কালিম্পং মে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ডিভিশনাল অফিস হে, অ্যান্ড সুকিয়া বকরি মে ফিল্ড অফিস হে, ফার্মার্স অ্যান্ড রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ হাব মেম্বার্স ক্যান অ্যাপ্রোচ them directly, and the only thing is that we need to improve the value addition quality of the large cardamom by scientifically drying cardamom. So that is very important, and we promote the group concept, producer groups, FPOs, farmer producer organizations, self-help groups, and they should market directly. They should aggregate and directly market whatever the spice, ginger or turmeric or large cardamom, and we are ready to connect with the buyers across the country so that they directly sell and improve the value chain of the large cardamom or other spices. So what is the participation of the farmers? Kalimbang area, a lot of farmers, we contact a lot of farmers, we implement a lot of schemes to the farmers in Lava or Tode Tangta or Cafe. So a lot of areas we are being, this area also we are going for the Chotakata or Badhata area, a lot of areas are there. We need to work, if the farmers groups are coming up, we are ready to work more. Is there any success story from the farmers? Yeah, a lot of success story. The Tode Tangta success story is the because of the large cardamom. I remember I worked in Kalimpong 2011-14. At that time itself, Tode Tangta is successful. Now the Industrial Cooperative Society supported by, is technically also, we have also supported in identifying the dryer and all. So that way we supported that. It's a very good success story that should be replicated, and that should be done in other areas also.